दो पॉइंट तो समझ में आ गया, अब बाकी की कलाकारी हम समझते हैं, बाकी की चीज हम समझते हैं, बाकी की चीज हमको समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या कह रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेकंड पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, इक्विपोटेंशियल का सेकंड पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेकंड पॉइंट क्या है। माय पेन इज नॉट वर्किंग गाइस, It was at this moment that he knew ई का he हो गया। fucked up. चलो ओके, अब देखो सेकंड पॉइंट समझते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड पॉइंट ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहले तो इसको आप याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। पर क्यों देखो, अच्छा आपको इतना क्लियर हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती। आपने इतना ज़ूम कर लिया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी हो नहीं सकती इस रीजन में। तो देखो, तो फिर इसके परपेंडिकुलर कैसे आई। देखो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, देखिए आप थोड़ा सा ना इसमें वेक्टर्स लगेगा, जरूरी नहीं है किसका रीजन जाने, जरूरी नहीं कि इसका रीजन जानो, समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, 2 मिनट के मानते हैं, ठीक अभी मान लेते हैं।